हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बीट और मैं कीर्ति भंडूला। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो बॉटल कैप चैलेंज के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। हर कोई आजकल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पूरा कर रहा है, लेकिन जहां सब लोग इस चैलेंज को पूरा करने में लगे हैं, वहीं बॉलीवुड के दबंग खान ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, लेकिन पूरा उसे अपने स्टाइल में किया है। तो चलिए हम आपको भी दिखाते हैं दबंग खान का ये फनी स्टाइल। अगर ये पूछा जाए कि इन दिनों सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, तो बॉटल कैप चैलेंज का नाम लेना गलत नहीं होगा। इस चैलेंज में गोल घूमते हुए सामने रखी बोतल के ढक्कन को बिना बोतल को गिराए उसका कैप खोलकर हटाना होता है। अब तक हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड सितारे इस चैलेंज को पूरा करते हुए सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान ने भी बॉटल कैप चैलेंज करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे सलमान खान ने बाकी चैलेंजर्स से जरा हटकर परफॉर्म किया है और इसके साथ ही एक संदेश भी लोगों के साथ शेयर किया है। दरअसल सलमान खान वीडियो में शर्टलेस जिम में हैं। पहले तो वो राउंड किक के लिए पोज लेते हैं, मगर घूमने से पहले ही रुक जाते हैं। इसके बाद वो सामने खड़े हुए शख्स के हाथ से पानी की बोतल लेते हैं और भगवान को याद करते हुए कहते हैं, पानी बचाओ, और बोतल का पानी पी जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सलमान का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ना, फिर हाथ फैलाकर ऊपर उठाना और बाद में क्रॉस करते हुए भगवान को याद करना पसंद नहीं आया और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। वहीं फैंस को सलमान खान का ये अंदाज काफी पसंद भी आ रहा है। सलमान से पहले कई बॉलीवुड सितारे इस चैलेंज को पूरा कर चुके हैं। जी हाँ, पहले अक्षय कुमार ने इस चैलेंज को पूरा किया, उसके बाद टाइगर श्रॉफ ने आंखों पर पट्टी बांधकर इस चैलेंज को पूरा किया था। वहीं विद्युत जामवाल ने 3 बोतलों को एक ही बार में अनकैप्ड किया। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं और इस फिल्म से एक बार की तरह फिर चुलबुल पांडे अपना अनोखा अंदाज दिखाते हुए नजर आएंगे। दबंग सीरीज की फिल्म दबंग 3 का निर्देशन प्रभुदेवा कर रहे हैं। सलमान खान की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।